फ्रेंड्स, मनाली टेस्टी टेस्टी फूड में आप सभी को रंजना का सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, आप सभी का मनाली टेस्टी टेस्टी फूड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सफ़ेद रसगुल्ला, और मैं इसे बनाऊंगी देखिए यहाँ गाय के दूध से। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले रखा है, और अब मैं यहाँ कढ़ाई में थोड़ी सी फर्स्ट पानी डालूंगी और उसके बाद मैं दूध डालूंगी। पानी डालकर दूध डालने से कढ़ाई में दूध चिपकती नहीं है, तो इसलिए पहले थोड़ी सी पानी डालकर फिर दूध डालना चाहिए। तो अभी मैंने दूध डाल दिया है। अब दूध को मैं गर्म कर रही हूँ, और दूध में जब उबाल आएगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अब दूध अच्छे से गर्म होने के लिए रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आनी शुरू हो रही है, तो हमें क्या करना है ना, दूध में उबाल आने नहीं देना है, और इसी तरह से हमें कलछी से चलाते चलाते दूध को थोड़ी देर गर्म करना है। अगर हम गरम दूध करने के बाद अगर इसका छेना निकालें तो वो छेना कड़ी हो जाती है, तो इसलिए हमें गैस को ऑफ कर करके इस तरह से छन्नी से चलाना है और दूध को ठंडी करनी है। अब फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ सिरका। ये जो हम लोग चाइनीज डिश के लिए यूज़ करते हैं सफ़ेद सिरका, इसी को मैं ले रही हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच। टोटल मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, और इसमें मैं फिर पानी डाल रही हूँ, और इसको अब मैं धीरे धीरे करके दूध में डालूँगी। हमें दूध में एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और कलछी से ऐसे चलाते जाना है। देखिए छेना फटना शुरू हो गई है दूध। देखिए इस तरह से मैं सारा अब डाल दे रही हूँ धीरे धीरे करके, और अभी मैंने नीचे में कढ़ाई को रखा है। देखिए फ्रेंड्स, दूध से छेना और पानी बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। इसका छेना का पानी का देखिए कलर और छेना बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। मैं एक मलमल का कपड़ा रखती हूँ। हमें मलमल का कपड़ा लेना है ताकि पानी अच्छे से निकल सके। मैंने डाल लिया है। काफ़ी देर तक अगर छेना गर्म पानी में रह जाएगी तो फिर वो कड़ी हो जाती है, इसलिए छेना निकलते साथ ही हमें उसको फिर कपड़े में या फिर आपके पास छन्नी हो तो उसमें निकाल लेना है। अब हमें ऐसे कप निचोड़ लेना है। ये जो छेना का पानी निकला है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसको हम सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए या दाल में या आटा जब लगाते हैं रोटी परोठा के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ये पौष्टिक होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो छेना निकला था इसमें मैं पानी डालूँगी और इसकी खटास निकालूँगी। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, करीब 1.5 लीटर पानी मैं डालूँगी, और इसका पानी भी पूरा अच्छे से मैं निकालूँगी, और इसको मैं निकाल करके छान करके रख दूँगी। इसके सारी पानी निकलनी ज़रूरी है, इसको मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रख देती हूँ।
अब फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक कटोरी चीनी ले रही हूँ चाशनी के लिए। अब कढ़ाई में डाल रही हूँ और मैं इसी कटोरी से 4 कटोरी इसमें पानी डालूंगी। हमें शुगर सिरप रेडी करना है। छेना का पानी निकल चुका है, अब मैं इसको रखती हूँ और ऐसे करके तोड़ करके ये हथेली ऐसे करके पूरा अच्छे से हमें इसको मसलना है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत अच्छे से हमें इसको मिलाना है। हाथों का ये हथेली का इस तरफ से ऐसे करके मसल मसल के कम 10 से 15 मिनट अच्छे से सॉफ्ट होने तक करना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मसल मसल कर मैंने एकदम चिकना कर लिया है, देखिए। और अब मैं इसका गोले बनाऊंगी। जितने बड़े छोटे साइज का बनाना है इस तरह से करके छोटे छोटे गोले बना लेना है। इस तरह से हथेली के बीच में लेकर ऐसे करके गोल कर ले रही हूँ। देखिए, फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी हम रसगुल्ले के गोले बनाएंगे तो क्रैक अगर आ रही है यानी कि हमारी छेना अच्छे से मिली नहीं है, अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। इसलिए अच्छे से मसल करके जब आप गोले बनाएंगे तो ये एकदम चिकनी बनेगी। देखिए, बिना क्रैक की बन रही है और हमारी जो चीनी की चाशनी हम बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए, एकदम उबलनी चाहिए। देखिए, मैंने सब बना लिया है, अब मैं चाशनी में डालती हूँ। चाशनी अच्छी से उबल रही है, इसमें अब मैं एक एक करके डालना है। अगर एक साथ सारा डाल देंगे तो जो उसकी हीट होती है वो कम हो जाएगी, इसलिए एक एक करके रुक रुक करके हमें डालना है। और फ्रेंड्स, जब भी हम रसगुल्ला को डालेंगे तो हमको रसगुल्ला को टच नहीं करना है। उबलने के समय हमें अगर रसगुल्ला टच करेंगे तो वो फिर खराब हो जाएगी, वो खुद पर खुद चाशनी में वो खोलते खोलते उबलेगी। देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुकी है और देखिए रसगुल्ला कितनी अच्छे से खिल चुकी है। हमें ऐसे ये जो शुगर सिरप है इसको डालते जाना है रसगुल्ला के ऊपर। और अब तक मैंने खुले में रखा था, अब इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढक दूंगी और उसमें फिर इसको रखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं 4 से 5 इलायची के पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी एकदम से हो चुकी है। इसको मैं निकालती हूँ। फ्रेंड्स, आधी चाशनी में मैंने रसगुल्ला निकाल लिया है और आधी चाशनी को थोड़ी गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। हल्की गाढ़ा होने के बाद फिर इसको मैं फिर इसी बाउल में डाल दूंगी। अब मैं एक निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट से बनी है। इसको जैसे डालूंगी तो फिर से देखिए अपने साइज में आ गई है, एकदम नरम नरम से हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।